नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। भारत पाकिस्तान की सीमा पर सटे बाड़मेर जिले के छोटे से गांव लंगेरा निवासी एक युवक को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। उसे यह कहा जा रहा था कि हम लोग बम लेकर आपके घर में आ जाएंगे और आपके पूरे घर को उड़ा देंगे। उस युवक की गलती महज इतनी थी कि उस युवक ने अपने फेसबुक पर यह लिख दिया था कि आतंकियों का बहिष्कार करो, जो लोग देश में आतंकवाद फैलाते हैं उनका बहिष्कार करो, ऐसा उस युवक का कहना है। युवक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब ये बात लिखी तो कुछ लोगों को ये बात अखर गई और लगातार उसे 4 दिन से अलग अलग नंबरों से फ़ोन किए गए, धमकियाँ दी गई। पहले तो इस युवक ने इस बात को इग्नोर कर दिया कि सोशल मीडिया पर आजकल व्हाट्सअप कॉल, इंटरनेट कॉल कई आते हैं और ऐसे ही धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन गत 4 जुलाई को उसके पास फ़ोन आता है, उसे कहा जाता है कि 24 घंटे के भीतर भीतर तुझे मार दिया जाएगा। इस बात से युवक परेशान हो गया और अपने कुछ साथियों के साथ बाड़मेर पुलिस के पास पहुंचा और वहां पर गुहार लगाई कि उदयपुर में जो घटना हुई है कहीं ऐसी घटना मेरे साथ नहीं हो, इस पर पुलिस कार्यवाही करें। और इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर SP दीपक भार्गव ने पूरी गंभीरता दिखाई और तुरंत प्रभाव से प्रकरण दर्ज कर पुलिस को पूरे मामले की जाँच में जुटा दिया है और उस युवक को सुरक्षा मुहैया करवा दी। हथियारबंद जवान उस युवक भूर सिंह के साथ 24 घंटे मौजूद रहेगा। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये युवक बाड़मेर जिले के लंगेरा गांव का निवासी हैं, जिनका नाम भूर सिंह है और BJP के कार्यकर्ता हैं भी है। इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए कि युवक के साथ 24 घंटे पुलिस का जवान हथियारबद्ध तैनात हैं और पुलिस ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है कि किसी प्रकार की कोई माहौल नहीं बिगड़े। युवक का ऐसा कहना है कि मैंने किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं लिखा है, मैंने महज ये लिखा कि आतंकवाद जो देश में फैला रहे हैं उन लोगों को बहिष्कार करो और उस पर कुछ लोग मुझे लगातार धमकियाँ देने लगे और अलग अलग नंबरों से फ़ोन करने लगे। अब युवक संतुष्ट हैं, उसका ऐसा कहना है कि मैं बाड़मेर पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को सुना और मुझे हथियारबद्ध जवान भी सुरक्षा मुहैया करवाई है, जिसको लेकर मैं अब सुरक्षित महसूस कर रहा हूं और पुलिस भी समय समय पर मेरे से अपडेट ले रही हैं, इस बात को लेकर जानकारी ले रही हैं कि अब कोई फ़ोन तो नहीं आ रहे। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है और बाड़मेर SP दीपक भार्गव ने क्या कहा है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके साथ हथियारबंद पुलिस जवान तैनात है? सर, मेरा नाम भूर सिंह राजपुरोहित है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे लगभग पिछले 4-5 दिन से अलग अलग नंबरों से मुझे कॉल आ रही है, मारने की, बम विस्फोट करने की, उड़ा देने की धमकियाँ मिल रही है। तो वैसे 2-3 दिन तो फ़ोन आए, मैंने भी उसको नॉर्मल में लिया, मैंने कहा ऐसे फेक कॉल आ रहे होंगे। 4 तारीख को 4-5 बजे मेरे पास एक कॉल आया, उसमें मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मारने की धमकी दी गई। लगभग 10-11 मिनट बात हुई जिसका मैंने रिकॉर्डिंग भी किया, तो मैंने देखा कि अब लापरवाही करना उचित नहीं है। मैं मेरी पार्टी के सभी पदाधिकारी, जितने भी जिला पदाधिकारी हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, उन वो सभी मेरे साथ चले। हम पुलिस थाना गए, FIR दर्ज करवाई, SP साहब से मिले, तो SP साहब ने बड़ी गंभीरता से हमें सुना और तत्परता से मुकदमा दर्ज किया, हमें सुरक्षा मुहैया कराई और 100% आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि आपको किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी तैयारी के साथ, हमारी टीम काम कर रही है और बहुत ही जल्द इन गालीबाजों को, धमकी देने वालों को हम गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद में कल और फोन आया, एक धमकी मिली, तो जिसकी मैंने सूचना है जो SP साहब को दे दी है, SP ऑफिस में दे दी है, पुलिस अधिकारियों को दे दी है, तो इस तरह का ये घटनाक्रम हो रहा है। क्या हुआ था जिसके बाद आपको धमकियाँ मिल रही? जी हुआ कुछ भी नहीं है। देखिए साहब, इस देश के अंदर राष्ट्रवादी लोग जितने भी हैं, सवाल किसी धर्म या जाति का नहीं है, राष्ट्रवाद से जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, उनके अंदर एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, डर का माहौल क्रिएट करने के लिए जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग उनको डराना, धमकाना, ये काम निरंतर चल रहा है। और इतने दिन दिल्ली जयपुर जैसी सिटियों में होता था और अब धीरे धीरे ये बॉर्डर पर भी पहुँच गया है। जो भी व्यक्ति राष्ट्रवाद को लेकर, देश हित को लेकर बात करता है, सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत सक्रिय दिखाई पड़ता है, तो उनको ये लोग डराते हैं ताकि भय डर के कारण हम जैसे जो सक्रिय कार्यकर्ता
करता है वो चुप हो जाए तो एक राष्ट्रवाद का माहौल ना बने, और जो राष्ट्रवाद का पूरे देश में एक अलग जगी हुई है, माहौल बना हुआ है, उस माहौल को फीका कैसे किया जाए, उस माहौल को कैसे दबाया जाए। ये सिर्फ एक राष्ट्रवाद को दबाने के लिए एक सोसी समझी साजिश के तहत, एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं जिनको विदेशों से फंडिंग होती है, जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वहां से इनको फंडिंग होती है, तो उसके माध्यम से ये लोग राष्ट्रवादियों को डराने का, धमकाने के लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस जवान आपके साथ सुरक्षा के लिए हैं, हथियारबंद जवान हैं, बाड़मेर पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बाड़मेर पुलिस को और आदरणीय श्री SP साहब दीपक भार्गव जी को, डिप्टी साहब आनंद सिंह जी को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि शायद कुछ लोग, मैंने भी सुना है पुलिस पर लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन मेरा पुलिस में पहला काम पड़ा है, आज तक कभी काम पड़ा नहीं है, और मैं मुझे नहीं लगता कि पुलिस किसी आरोप के लायक है, यानी प्रशंसा करने के लिए कोई शब्द नहीं है, इतनी तत्परता शायद मैंने कभी सुनी नहीं है। हम गए आधे घंटे के अंदर हमारी सुनवाई हुई, मुकदमा दर्ज कर दिया और टीम गठित करके जांच भी शुरू करवा दी और हमें सुरक्षा दे दी आधे घंटे में मात्र। तो शायद पुलिस के लिए प्रशंसा के करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस जो BJP की IT सेल के संयोजक हैं उनके पास में कुछ धमकी भरे संदेश और कॉल्स आ रहे हैं, तो जैसे उन्होंने बताया उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके उनको एक तो सुरक्षा मुहैया कराई है, और प्रयास कर रहे हैं कि कॉल और मैसेज कहाँ से आ रहे हैं वहाँ तक हम पहुँच सकें। उनको साथ ही थोड़ा सावधान और सावचेत रहने की भी हिदायत दी है, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी जना ये कर रहा है उसको पकड़ में आ जाए। उन्हीं को धमकी भरे जो मैसेज आ रहे हैं उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, वो भी सुनाई थी, और निरंतर अलग अलग नंबरों से, इंटरनेट नंबरों से और बाकी नंबरों से उनके पास में संदेश भी आ रहे हैं और धमकी भरे मैसेज भी आ रहे हैं। उसको देखते हुए मुकदमा दर्ज करके हमारी टीम उनको तलाश कर रही है, हमारा IT सेल भी उस पर काम कर रहा है, और प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द ये लोग पकड़ में आ जाएं। धन्यवाद राजस्थान। वरिष्ठ अध्यापक के सामाजिक विज्ञान कोर्स को राजस्थान का टॉप सेलिंग ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए अब उसी भरोसे को कायम रखते हुए हम लेकर आए हैं वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट पेपर का ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा गणपत सिंह राज पुरोहित सर व उनकी अनुभवी टीम द्वारा तैयार की गई एग्जाम ओरिएंटेड गुणवत्ता युक्त स्टडी मटेरियल। तो लाखों की भीड़ में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने हेतु आज ही ज्वाइन करें सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का ऑनलाइन कोर्स।